सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में इंग्लिश की 4 लाइन वर्कशीट कैसे बनाते हैं, जिसका प्रिंट लेकर के आप उस पर इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, गूगल डॉक्स में इंग्लिश की वर्कशीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिंगल कॉलम और 3 रो की टेबल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट टैब पे। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां से टेबल पे जाइए और टेबल से जाकर के 1 कॉलम और 3 रो यानी 1x3 की टेबल हमें सिलेक्ट करनी है। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे पेज पर 1x3 की टेबल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का बॉर्डर पकड़िए यहां से और इसको एडजस्ट कर दीजिए अपने हिसाब से जहां तक आपको चाहिए। उसी तरीके से राइट हैंड साइड का बॉर्डर पकड़िए, उसको यहां पे एडजस्ट कर दीजिए जहां तक आपको ये चाहिए। अब देखिए मैं क्या करना है, सिंपल पूरी टेबल को सेलेक्ट करिए और ये देखिए ये रहा बॉर्डर कलर का ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करिए और रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हम रेड कलर सेलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल जो आप देख रहे हैं वो रेड कलर में हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीच वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए बीच वाले सेल पे कर्सर यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लिंक होते हुए, यानी बीच वाले सेल पे हमने कर्सर रखा। उसके बाद हम दोबारा से जाएंगे बॉर्डर पे, बॉर्डर कलर पे, और इस पर क्लिक करके और यहाँ से इस बार हम ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्लू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बीच वाला हिस्सा ब्लू पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पहली टेबल हो गई। अब हमें क्या करना है, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल सी से हमने सेलेक्ट किया और टेबल के नीचे अपना कर्सर रखना है। ये देखिए टेबल के नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसके बाद कंट्रोल वी कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जब तक पूरे पेज पर टेबल ना आ जाए आप कंट्रोल वी करते जाइए। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल वी यहां तक हो गया, आप देखें लगभग पूरे पेज पर टेबल आ गई। अब ये रह गया नीचे, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करिए और अपनी जो वर्कशीट है उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी आप प्रिंट ले सकते हैं और इस पर इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंग्लिश की 4 लाइन वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं गूगल डॉक्स।